राजनांद गांव के डोंगर गांव में 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ वन कर्मियों संघ की बैठक स्थानीय नर्सरी डोंगर गांव में आयोजित की गई। इस बैठक में संघ के प्रांत अध्यक्ष मूलचंद शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के आयोजन में पिछले दिनों वन कर्मियों के साथ वेतनमान को लेकर हो रहे भेदभाव एवं दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अजीत दुबे ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, साथ ही हम सबको अपने अधिकार के लिए अंतिम समय तक लड़ना होगा। एक संगठन की ताकत उसकी एकता में है और यही एकता हमें बनाकर रखनी पड़ेगी। पिछली बार हमने हड़ताल की थी, जिसमें 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के सामने भी रखा था, जिसमें से 10 मांगों को पूरा करने का आश्वासन लिखित में दिया गया था। वर्तमान में 2 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से वन कर्मचारी आंदोलन करेंगे और वेतन विसंगति की समस्या लंबे समय से दूर नहीं हुई है, इसको लेकर भी सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ प्रांताध्यक्ष मूलचंद शर्मा में आप सभी का पहले स्वागत है, आपका धन्यवाद है। शासन प्रशासन को जगाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मैं वन कर्मचारी संघ प्रांताध्यक्ष होने के नाते छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगे रही 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले साल हम लोगों ने 21 मार्च से 13 अप्रैल तक के 24 दिनों का अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जिसमें शासन प्रशासन स्तर पर कई बैठकें हुई और वहाँ पर हम लोगों को लिखित में आश्वासन दिया गया था। 2 बिंदु जो हमारी महत्वपूर्ण है अभी और 2750 वर्ष 2003 के वित्त विभाग के सेटअप में भी है, हमारे कर्मचारियों को आज की स्थिति में वेतन भी प्राप्त हो रहा है, एरियस भी मिले हैं, लेकिन अभी अंतिम क्षणों में उसको विभाग संचालक कोष लेखा द्वारा अमान्य करते हुए उसमें वसूली की कार्रवाई की जा रही, जिसमें कर्मचारियों में पीड़ा है। तो हम लोगों ने वो लंबित मांगों के संबंध में प्रांत में 1 तारीख को बैठक रखे थे, वहाँ पर पूरे प्रदेश से दबाव है प्रांत को कि फिर से एक बार शासन प्रशासन को हमारी मांगों को अवगत कराते हुए आवश्यकतानुसार उसमें आंदोलन और हड़ताल की भी रूपरेखा तैयार की जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने सारे जिलाध्यक्ष लोगों को वहाँ पर निर्णय हुआ था कि 20 तारीख के पहले आप लोग अपने अपने जिलों में बैठक लें और बैठक लेकर स्पष्ट रूप से कर्मचारियों की भावनाओं से प्रांत को अवगत कराएं, ताकि 16 तारीख को प्रांतीय बैठक है, वहाँ पर निर्णय हो सके। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है। इस मंच के माध्यम से मैं माननीय वन मंत्री जी महोदय और CM साहब को भी फिर से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों को पीड़ा को समझें और उन्हीं के द्वारा जो हमें आश्वासन मिला था पिछले बार उसको पूरा करें, ताकि कर्मचारियों को बहुत राहत मिल सके। दूसरा मामला हमारा लंबित था वेतनमान निर्धारण का। आज वन विभाग का कर्मचारी जमीनी स्तर पर शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहचान बनाने में पूरी तरीके से निष्ठा से लगा हुआ है। अपनी जंगल की सुरक्षाओं के साथ साथ में जन कल्याणकारी योजना को नरवा घुरवा बाड़ी और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो टेक्निकल कार्य होते हैं, उसको भी आज हमारा वन कर्मचारी कर रहा है। और मैं आपको जानकारी में ये भी लाना चाहूँगा कि हम लोगों ने तर्क संगत पूरे ऑल इंडिया में स्टेट वाइज हम लोगों ने आंकलन दिया है कि किस किस क्षेत्रों में कितने वन क्षेत्र हैं, वहाँ वेतनमान हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा वन क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ कर्मचारियों को कम क्यों है वहाँ की तुलना में, जबकि काम यहाँ ज़्यादा भी है, कार्य का बोझ विभागीय के साथ साथ अन्य जैसे मैं आपको बताया हूँ बढ़ा हुआ है। समय समय पर शासन की नई नई योजनाएं आती रहती है, सीधे वन विभाग के कर्मचारी जुड़े हुए हैं और लगातार कर्मचारी संघर्षरत है और शासन की योजनाओं में पूर्ण निष्ठा से शासन को आज नंबर वन देश में लाने में किसी भी योजना में हो, चाहे लघु वनोपज के मामले में हो, चाहे अन्य मामले में हो, शासन को बहुत सारे प्राइज़ भी मिले हैं। शासन